कैसे हैं आप लोग? दिस फाइन, वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन। तो इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ जियो फाइबर का, जो मेरे पास मॉडर्न था वो अब अपग्रेड हो चुका है। अब उन्होंने स्टार्टिंग में दे वर गिविंग सिंगल बैंड रूटर वस मॉडर्न, तो अब उन्होंने अपग्रेड कर दिया है हमारा कनेक्शन एंड दे आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग डुअल बैंड राउटर कम मॉडर्न। और ब्यूटी इस डिवाइस की इसलिए है क्योंकि इससे स्पीड में बहुत फर्क पड़ गया है और रेंज में भी काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको, और एक रूटर की अब जरूरत है या नहीं इस चीज़ का बहुत क्वेश्चन आ रहा था, अगर है तो कैसे किया जाए, तो इसका भी मैं सलूशन आज बताने वाला हूँ। कोई भी आपका अगर राउटर है एंड यू वॉन्ट टू कनेक्ट इट विद योर दिस जियो फाइबर मॉडेम, तो वो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसमें डेमो देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक आप जरूर देखें, एंड अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आते हैं रोज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड टेक विच आई यूज। सो आई विल टेल यू, आई विल शो यू द बॉक्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बॉक्स विच यू गेट, और पूरे वीडियो में आपको पता लगेगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो दिस इज द डुअल बैंड जियो फाइबर राउटर, वो मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा अभी, और ये अब इंस्टॉल हो चुका। काफी लोग कह रहे थे ऑप्टिकल फाइबर दिखाएं कहां पर है। तो बेसिकली इसके बैक साइड में अगर हम इसको नीचे करते हैं तो यहां से ये देख रहे हैं येलो वायर, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये कनेक्शन से आ रहा है, यहां से खिड़की से आ रहा है, वो सारा नहीं दिखा सकता मैं। तो यहां से आते हुए इसके अंदर कनेक्टेड है। इसके बाद मैंने ये इनफ है आपके कनेक्शंस करने के लिए, क्योंकि ये वाईफाई मॉडेम का रोटर है, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डुअल बैंड का है ये अब, एंड इससे फ्रेंड्स स्पीड जो डाउनलोड थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। एंड जो भी मेरा भाई जो भी जियो फाइबर लेना चाहता है या जिसने नहीं लिया है, तो वो गोल्ड प्लान ले इफ ही नीड्स समथिंग गुड। मेरे पास गोल्ड प्लान है, तो अब तक जो मेरे पास सिंगल बैंड वाला जो पहले था जिस पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है, कार्ड पे मैंने दे दिया है, तो वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। उसमें मुझे डाउनलोड मिल रही थी अराउंड 100 के आसपास। अब मेरी डाउनलोड पूरा चेक कराऊंगा आपको स्पीड टेस्ट से, 200 के क्रॉस कर रही है अराउंड। तो मैं आपको टेस्ट कराता हूँ स्पीड, तो देखिए फ्रेंड्स पहले मेरे पास आती थी 100 के आसपास, तो इसमें 240 तक भी जाती है। तो इस टाइम शाम का टाइम है, पीक टाइम है, तो अब आ रही है ऑलमोस्ट 227 एंड अपलोड स्पीड आ रही है 23 के आसपास, 22.3 एंड हेयर इट गोज 22.3 एंड 227 डाउनलोड, मतलब 200 से ऊपर आ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड डाउनलोड। और अपलोड की जहाँ तक बात है, वो मुझे पहले मिलती थी इसी प्लान में 17-18 Mbps, और उसमें मुझे वीडियो का, मैं अगर आप आइडिया दूँ, अगर 2 GB का वीडियो है तो ऑलमोस्ट 12-13 मिनट ले लेता था अपलोड के लिए। अब वो बढ़कर हो गई है 23, और खुशखबरी यहाँ पर नहीं रुकी है, क्योंकि मुझे अभी मैसेज आ गया है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में, जियो ने ये अनाउंस किया है कि जो उन्होंने स्कीम थी अपलोड एंड डाउनलोड को अलग कर दिया था वो बराबर हो जाएगा। मीन्स 250 Mbps का अगर मुझे स्पीड डाउनलोड में आ रही है तो उतनी ही स्पीड मुझे अपलोड में मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है अपलोड की, हमारे जैसे जैसे जिसको अपलोड करना है, स्ट्रीमिंग करनी है, उसके लिए अपलोड स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है, और गेमिंग करनी है, उसको लाइव स्ट्रीमिंग करना है, उसके लिए अपलोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर मैं भी उससे कहा था कि उन्होंने अपलोड कम कर दी थी, सिर्फ काम चलाओ हो गया था काम, लेकिन अब ड्यू टू दिस प्लान दे हैव अगेन मेड इट बराबर। पर वो अभी मेरी शुरू नहीं हुई है, जैसे होगी अपडेट वो होगी, जब मेरा ये वाला प्लान चल रहा है ना, महीने का होता है मंथली ऐप रिचार्ज, तो वो जब खत्म होगा 14 सितंबर को खत्म हो रहा है, तब मेरी अपलोड डाउनलोड बिल्कुल सेम हो जाएगी। एंड इस वीडियो में अब आपको दिखाते हैं कैसे मैंने इंस्टॉल किया और कैसे आपको राउटरों को इसके साथ कैसे लगाना है अब। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना राउटर लिंक करना है, तो आपको यहाँ से लैन वायर लेनी पड़ेगी जो मैंने लगाई हुई है, और वो मैंने इसके पोर्ट में डाली हुई है। सिर्फ इतना आपने करना है, बाकी सब कुछ टीपी लिंक का, अगर आपके पास राउटर है तो इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है, कोई भी कंपनी का है सब में ऑटोमेटिक होता है। करना क्या होता है, आपको इसमें कनेक्ट करने के बाद सिंपली
तो फ्रेंड्स, आपको बेसिकली आईपी एड्रेस आपके बॉक्स पे मिल जाता है, वो आपने ढूंढ लेना है। और वो जब आप टाइप करेंगे, जैसे 192 समथिंग डिजिट्स में होता है, तो आपका ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपने लॉगिन करके रखना है, जैसे मैंने किया हुआ है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये टीपी लिंक का, आपके राउटर का ये पोर्टल खुल जाता है। तो इसमें ही आपका सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो यहाँ से आपने क्विक सेटअप पे जाना है और यहाँ से बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसी से आप पासवर्ड सेट कर पाएंगे, सब कुछ आप इसका आपका इस पर हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल दो स्टेप का काम है। अब पॉइंट नंबर 3 कि आपको इसका राउटर लगाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर आप गोल्ड प्लान में हैं एंड इन द गोल्ड प्लान ये डुअल बैंड आपको मिलता है, तो आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ राउटर। मैंने राउटर इसलिए अटैच किया हुआ है क्योंकि आई डोंट वांट टू चेंज पासवर्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपके राउटर आपका पर्सनल होता है, उसमें आप पासवर्ड अपने सेट कर लेते हैं। तो व्हाटएवर कनेक्शन यू हैव, जस्ट यू हैव टू अटैच दिस राउटर टू दैट मॉडेम, जो भी आपका राउटर प्लान आता है उसके साथ कनेक्शन। जैसे पहले मेरा एयरटेल का था, तब उसके साथ कनेक्टेड था, अब जियो फाइबर है तो उसका कनेक्टेड है, तो वो उसका एडवांटेज है। बट स्टिल, अगर जो लोग अपना राउटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि राउटर में काफ़ी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, आप एक ड्राइव लगा सकते हैं हार्ड डिस्क या SSD, वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। एक तरह से वो इंटरनल क्लाउड की तरह आपका काम करता है, कहीं से बैठ के आप अपनी चीज़ें थ्रू वाईफाई अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, इससे आपकी मोबाइल की मेमोरी बचेगी। वो आप चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, और कुछ भी आप जानना चाहते हैं इस प्लान के बारे में। तो ये था आज का वीडियो, होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड, आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन जियो फाइबर को लेकर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। Thank you very much.